हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेलजी लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन डी के कुछ 1 to 6 क्वेश्चंस देख लिए थे एंड नाउ हम लोग उसके आगे वाले जो भी सम्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरी चैनल द पटेल्स ई लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग तुरंत वीडियो को देख पाएंगे और वीडियो को लाइक भी कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा और एक इंस्ट्रक्शन था कि मैंने सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिए थे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जब भी वो पर्टिकुलर एक फार्मूला के बेस्ड है तो वो जब भी बड़े सम्स वो फार्मूला वाले करवाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं वो छोटे सम्स भी करवा दूंगी। इज इट क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर सेवन कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस हाफ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एग्जैक्टली। नाउ सी, यहां पर ये जो लास्ट और फर्स्ट जो भी हमको दिया हुआ है वो सेम है, सो हम लोगों को ऐसे ही इसका डिवीजन स्प्लिटिंग करना है कि वो दोनों सेम रहे। सो लुक, हम इस तरीके का इधर फैक्टराइजेशन करते हैं, 2x स्क्वायर 2x प्लस x, दो और तीन मिलके कितने हो गए भाई, सॉरी दो और एक मिलके कितने हो गए, तीन हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे मैं करती हूँ माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1। सो प्लस माइनस होके होया क्या, माइनस, और क्योंकि बड़ा है 2x तो बड़े की साइन लगेगी तो माइनस एक्स आ गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस हाफ, 2x कॉमन निकालो, बचा क्या x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन निकालो, बचा क्या x प्लस 1, 2x कॉमन निकालो, बचा क्या x माइनस 1, इधर से क्या कॉमन निकलेगा, ऑब्वियसली प्लस 1, सो x माइनस 1 बाकी रहा। लिमिट x टेंस टू माइनस हाफ, 2x प्लस 1 x प्लस 1, 2x प्लस 1 x माइनस 1, दिस इज कॉमन एंड कैंसल। सो लिमिट x tends to minus half, x plus 1, x minus 1. Put the value of x, that is minus half plus 1, minus half minus 1. What we will do? ये तो half बचेगा, और नीचे बचेगा minus 3 by 2. Minus 1 upon 2 into minus 2 upon 3. Hope so you are getting me. 2 to cancel. 1 upon 3. But plus wale. Sorry, plus nahi aayenge, minus aayenge because ye wala minus nahi tha na. Plus 1 mein se ek jayega to half hi bachega. Sorry. So either minus 1 ho jayega. Clear? Samajh mein aaya na? वेरी गुड। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब सम नंबर 8 देखते हैं। सम नंबर 8 में क्या कहा है, 9x स्क्वायर, सॉरी पहले तो है लिमिट x टेंस टू माइनस 2, 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 26 अपॉन 5x square। ना उसे यहाँ पे ना थोड़े से डिफरेंट टाइप के आपको ये बनाने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन, जो स्प्लिटिंग का है वो 5x है। सो जनरली आप लोग सोचते हो 2 एंड 3 से काम चल जाएगा, बट नीचे भी देखना पड़ेगा और उसको देखते हुए आप करोगे तो 2 एंड 3 से काम नहीं बनेगा। सो यहाँ पे मुझे लेने पड़ेंगे 18 एंड 13, 18 में से 13 जाएगा, ऐसे करके बचेगा माइनस
सॉरी प्लस 5x, सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 13x माइनस 26, x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, क्लियर। सॉरी x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7x प्लस, यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, 9x को कॉमन निकालो तो क्या बचा इधर, 2x, सॉरी 1x बच गया, 2x थे 1x बच गया, और इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, x तो कॉमन में चला गया, माइनस 13 कॉमन निकालो, सो x प्लस 2 बचा, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x कॉमन निकालोगे तो बचा क्या, x प्लस 2, इधर प्लस 7 कॉमन निकालो तो x प्लस 2, होप सो समझ रहे हो, फंसे हुए नहीं हो ना, पक्का ना। चलो फिर आगे बढ़े, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, x प्लस 2, 9x माइनस 13, x प्लस 2, 5x प्लस 7, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये दोनों तो उड़ गए, तो 9x माइनस 13 अपॉन 5x प्लस 7, वैल्यूज रखो, दैट्स इट, 9 माइनस 2 माइनस 13, 5 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 18 माइनस 13 माइनस 10 प्लस 7, फाइनल आंसर विल बी माइनस 31 अपॉन 3, बट वो भी माइनस वाला, ऊपर भी माइनस था, सो फाइनली प्लस हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया पक्का, वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ये जो सम्स हैं बेटा काफ़ी इजी है, अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एलसीएम लेना आए तो। अब जो सम्स है उसमें हमको थोड़ा सा टिपिकल लेवल के मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड आउट ऑफ दिस हमको उसमें ये क्या कहते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, बाद में फैक्टराइजेशन करना है, कुछ कुछ में तो फिर फैक्टराइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ आपको एलसीएम लेना आए। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एडवर्टीजमेंट ख़त्म। यस स्क्रीनशॉट ले लो, भूल गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं और फिर 11 कर लेते हैं, तीन सम्स आज की लेक्चर के बाकी रहे। सो फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x और ब्रैकेट में है 5x प्लस 14 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 अकेला है, कोई साथीदार नहीं है, ये जाएगा हेल्प करने,
सो लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, कोई अकेला नहीं रहना चाहिए. वन अपॉन एक्स, फाइव एक्स प्लस 14 माइनस 2, ये पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा फिर इसके नीचे भी आ जाएगा. अब इन दोनों का ये कॉमन हो गया, ये उसके साथ गया तो अब इन दोनों के बीच में ये कॉमन हो गया. होप सो यू आर मैच्योर, समझ रहे होगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, वन अपॉन एक्स, फाइव एक्स प्लस 14, ये माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6x, माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 14, नीचे बचा भाई का भाई. लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, वन अपन एक्स, सी प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, प्लस 5x माइनस 6x, सो माइनस 1x बचा. ये प्लस सॉरी माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, उड़ गए. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, माइनस 1 बचा इधर एंड 3x प्लस 7 बचे. माइनस 1x, 3x की वैल्यू रखो 0, 7. फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 7. होप सो यू आर गेटिंग मी, समझ में आ रहा होगा आपको. क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी इजी है, कुछ भी इसमें टफ लेवल नहीं है. क्लियर? देन लेट्स मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, देन आफ्टर है इन द ब्रैकेट 2 अपॉन एक्स माइनस 2, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x. पहले लेने हैं LCM. तो LCM लेने से पहले देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या है और क्या एक्स्ट्रा है. सी 2 अपॉन है एक्स माइनस 2 वेरेज माइनस 4, इसके पास दोनों के पास x है, सो x कॉमन निकालूं, x माइनस 2 बचे. क्लियर? सो सी इसके पास x एक्स्ट्रा है, इसके पास x नहीं है, सो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 ये x इधर आ गया, वैसे भी x का तो काम ही यही होता है इधर से उधर. 4 एंड सी ये x इधर चला गया, सो अब दोनों का कॉमन ही लिख लेंगे हम लोग, माइनस 4 और कॉमन दोनों के नीचे आ जाएगा x माइनस 2. समझ रहे हो? इधर नीचे x नहीं था तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया x और ये माइनस 4, माइनस 4 और दोनों के कॉमन अब हो गए x, x माइनस 2. ऊपर से आप लोग कॉमन निकालो 2, तो बचा क्या x माइनस 2, 2 कॉमन निकला तो 2 बचा ना, और क्या बचा x, x माइनस 2 ये गया उड़. तो अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, 2 बाई एक्स, तो वैल्यू रख देते हैं 2 बाई 2, आंसर इज 1. वेरी इजी, वेरी सिंपल, इससे इजी सिंपल और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. सम नंबर 11 थोड़ा सा हाई लेवल का है, 11 नंबर का, बट इसी टाइप का है. अगर LCM आता है नो प्रॉब्लम एट ऑल.
सी क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन प्लस टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन एक्स. ये ना मल्टी फ्लोर वाला सम है. सी वन फ्लोर, टू फ्लोर, थ्री फ्लोर. आपको क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करते जाना है, नीचे से एलसीएम लेते चलो. सो फ्रेंड्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन प्लस टू, ये एक्स ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो. सो ये बन गया थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स. क्लियर? ये एक्स चला जाएगा ऊपर. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन प्लस टू एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर. नाउ ये एक अकेला है, अकेला किसी को रहने नहीं देना है. एक्सटेंड्स टू जीरो, ये पूरा इसके साथ आ जाएगा. थ्री एक्स प्लस फोर प्लस टू एक्स पूरे के नीचे आ गया, क्योंकि ये इसके साथ चला गया, ये इसके नीचे तो ऑलरेडी था, तो ये अब कॉमन हो गया. लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, थ्री एक्स प्लस टू एक्स, फाइव एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर. बट सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, रख देते हैं फाइव ज़ीरो प्लस फोर, थ्री ज़ीरो प्लस फोर. ये ज़ीरो ज़ीरो वाले हो जाएंगे कैंसल, फोर बाई फोर, आंसर इज़ वन. सो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी होते हैं इस टाइप के सम्स, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. फिर भी नहीं समझ में आते, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट में जाके लिख दो आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.